कांग्रेस ने 1 फरवरी से घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस का यह सदस्य अभियान कांग्रेस कमेटी व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत अंबेडकर चौराहा पर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अध्यक्ष सदाशिव यादव के नेतृत्व में सदस्यता अभियान घर घर चलो अभियान शुरू हुआ, जिसमें मतदाता सूची निरीक्षण एवं संगठन की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान की शुरुआत देपालपुर विधायक विशाल पटेल के मार्गदर्शन एवं बेटमा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह दरबार, विधायक प्रतिनिधि असलम शेख सहित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि यह अभियान 28 फरवरी तक चलाना है। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सरकार को फिर से चुने, हमारा साथ दें और जो हमने अच्छा काम किए हैं वो हम जनता के बीच में लेकर आए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष, अभी बीजेपी शासन में कन्यादान योजना जो लागू हुई थी उसमें 51,000 रुपये कमलनाथ जी ने दिए थे, अभी सरकार ने पूरी योजना बंद कर दी है। बिजली के बिल बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिए, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसलिए हम घर घर संदेश देना चाह रहे हैं कि लोगों को आज तक पता नहीं कि कांग्रेस नहीं जा। अब अपन गाँव की बात करें, शंकरपुरा रोड जब बनी थी, स्टार्ट हुई थी, मैंने खुद ने यहाँ पे गिट्टी पूरम डाली थी, ये कांग्रेस के जमाने की रोड बनी हुई थी। बिजली जब आई थी कांग्रेस वही नहीं थी, बाकी अब आज लोग किए तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये सब किया। आज तो शंकरपुरा जाने में, बेटवा जाने में कितनी स्थिति थी, पहले लोगों से पूछो कैसे जाते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।